अभी हम बाई डेफिनेशन डिस्कस किया हमने कि अगर डबल पॉइंट जो है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी तो वो कब नोड होगा, कब आइसोलेटेड पॉइंट होगा, कब वो कस्फ होगा। लेकिन अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए किसी भी कर्व की और उसमें से जो डबल पॉइंट है उसकी नेचर के बारे में पूछा जाए तो हम उसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हम वो रूल डिस्कस करेंगे, मेन हम रूल डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट एट द ओरिजन, यानी ओरिजन के ऊपर जो डबल पॉइंट होगा तो उसकी नेचर किस तरह की होगी। उसके लिए हम कुछ रूल्स अब डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम जो भी इक्वेशन हमें कर्व की दी जाएगी उसमें से हम टेंजेंट फाइंड करेंगे एट दी ओरिजन बाई इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मीन जो भी हमें कर्व की इक्वेशन दी जाएगी उसमें से वेरिएबल होंगे, वेरिएबल की डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी पार होगी, मतलब वो उनकी डिग्री होगी, तो उसमें से वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे लोएस्ट होगी उसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो के टू फाइंड दी टेंजेंट्स के। अगर ओरिजिन हमारे पास डबल पॉइंट है तो टेंजेंट्स हमारे पास किस तरह के आ सकते हैं, या तो टेंजेंट्स रियल होंगे या हमारे पास टेंजेंट्स इमेजनरी आ जाएंगे। अगर टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन हमारे पास इमेजनरी आ जाते हैं देन द ओरिजिन इज़ अ कंजुगेट पॉइंट। आपने देखा होगा कि तीन केसेस से या तो डबल पॉइंट नोड होता था, या हमारे पास वो कास्प होता था, या वो कंजुगेट पॉइंट होता था। स्पेस इफ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिफरेंट देन द टेंजेंट इज अ नोड और अ कंजुगेट पॉइंट। अगर टेंजेंट जो है वो ओरिजिन के ऊपर हमारे पास रियल आ जाता है और डिफरेंट आ जाता है, मतलब वो कंसाइड नहीं करता, तो टेंजेंट हमारे पास या नोड होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। कंजुगेट इसलिए हो सकता है क्योंकि सपोज हमने जो ब्रांचेस फाइन डिफाइन की हैं उन ब्रांचेस के ऊपर अगर हम कोई डबल पॉइंट जो है उसके नेबरहुड में हम कोई भी पॉइंट लें, वहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू जो है वाई की वो इमेजिनरी आ जाए तो उस केस में हमारे पास फिर वो कंजुगेट पॉइंट हो जाएगा। तो नोड के लिए ये बात बड़ी क्लियर है कि नोड के लिए क्या था कि टेंजेंट जो थे वो दोनों डिफरेंट होते थे, तो डेफिनेटली फिर टेंजेंट हमारे पास नोड होगा। तो अगर इफ़ द टू टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, यानी जो दो टेंजेंट्स हैं वो रियल होते हैं और वो कंसाइड कर जाते हैं, देन द ओरिजिन इज़ अ कस्फ और अ कंजुगेट पॉइंट। अभी इन सारी जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं इनको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करूँगा आगे जाके, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी हमने नेचर डबल पॉइंट की नेचर को हमने डिस्कस करना होगा सबसे पहले आपको टेंजेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उनकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। उनकी इक्वेशन को हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, हमने जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स होंगी उनको इक्वेट कर देना जीरो के इक्वल। अब ये डिपेंड करेगा कि टेंजेंट जो आप इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल तो मे भी पॉसिबल है कि आपके पास जो टेंजेंट है वो कोइंसाइड कर जाएं। अगर वो कोइंसाइड कर जाते हैं तो फिर आपका जो डबल पॉइंट है या तो वो कस्फ होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। सो अगर वो कोइंसाइड नहीं करते, आपके पास दोनों टेंजेंट जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं, तो फिर पॉसिबल है कि आपका जो डबल पॉइंट हो या तो नोड होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। कुछ रिमार्क्स हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि टू स्टडी द नेचर ऑफ द कर्व नियर ओरिजिन, यानी ओरिजिन के करीब। अभी तो हमने टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट किया ना, फिर वहाँ से हमने देखा अगर टेंजेंट इस तरह के हो जाएंगे तो नोड होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा, लेकिन क्लियरली क्या होगा ना, मीन वो कंजुगेट होगा, कंजुगेट पॉइंट होगा, नोड होगा या क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये रिमार्क्स हैं। द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर वाई। हम वाई के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, टर्म जो वाई की जिनकी पार अबव टू है उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। इफ़ फॉर स्मॉल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई आर रियल, मीन जब आप उनको ड्रॉ करेंगे तो वाई की वैल्यू अगर आपके पास इमेजनरी नहीं आती ना, यानी एक्स में आप वेरिएशन जो है वो बहुत स्मॉल करते हैं, तो वैल्यू जो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है वो आपके पास जो है वो रियल आ जाती है। देन द ब्रांचेज ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन आर आल्सो रियल अदरवाइज दे आर इमेजनरी। अगर ब्रांचेज आपके पास टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर एक्स इक्वल टू जीरो देन सॉल्व द इक्वेशन फॉर द कर्व ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ वाई, और ये पूरा प्रोसेस हम ऊपर रिपीट करेंगे। इन अदर केसेस हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को फॉर वाई और एक्स ने जो भी हमें कन्वीनियंट है जिससे हम आसानी से वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकें, तो हम सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा कि जब हम वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो को इक्वेट करके हम यहाँ से टेंजेंट्स जो है उनकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जब आप एक्स में वेरिएशन करेंगे और वाई में जो आपके पास वैल्यू जो है वो रियल दे देता है, तो फिर आपके पास जो ब्रांचेज हैं वो आपकी रियल हो जाएंगी। अगर वो रियल हो जाएंगी
तो अगर वो रियल हो जाती हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास, अगर तो टेंजेंट जो हैं वो डिफरेंट हैं तो फिर वो नोड होगा पॉइंट, अगर टेंजेंट्स आपके पास कॉन्साइड कर रहे हैं तो फिर वो आपके पास कस्फ हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्मॉल वेरिएशन देने से आपके पास जो ब्रांचेस हैं वो आपके पास इमेजनरी आ जाती हैं, तो देन डेफिनेटली आपका जो डबल पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो के लिए ये प्रोसेस रिपीट करेंगे सेम, लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो जो है वो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो फिर आप हम वाई या एक्स दोनों में से किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमें आसानी होगी उस इक्वेशन का, गिवन कर्व की इक्वेशन के साथ प्ले करने के लिए।